जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अरमान। इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल मास्टर न्यूज़। ख़वातीन हज़रात, मरकज़ी जामिया मस्जिद गौसिया पोगीवाल रोड अकब शालामार बाग बंद रोड लाहौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज यहाँ पे ख़ुसूसी खिताब के लिए शहनशाह खिताबत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा कारी नसीम अहमद चिश्ती साहब, जिनका तल्लक लाहौर शहर से अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 8-10 साल से यहाँ वो ख़ताब कर रहे हैं। नहायत खूबसूरती के से वो ख़ताब करते हैं। आपको हमारी ये रिकॉर्ड शुदा मूवी पसंद आए, आप अपने इलाका में किसी जगह रिकॉर्डिंग करवाना चाहें तो आप हमसे राबता कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो यूट्यूब पर देखना पसंद फरमाएँ तो चैनल मास्टर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ों कारों में इसको ख़ताब को शेयर करें ताकि ये तबलीग का सिलसिला जारी और सारी रहे। कैमरामैन टीम के साथ निसार अरमान, मास्टर न्यूज़ लाहौर, बहुत बहुत शुक्रिया। وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين उनकी महक ने दिल के गुंजे दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, सपड़ो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, और जलते बुझा दिए हैं और रोते हंसा दिए हैं। उन
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। इंतहाई वाजिबुल इहतराम मुअज्जज़ व मोहतरम सामईने किराम, अज दा ए पकीज़ा खुतबा जुमातुल मुबारक जिस दे अंदर अल्लाह ताला ने मैनू और आप हजरात नू जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करन दा मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला दा करोड़ मरतबा एहसान अजीम है जिसने मैनू और आप हजरात नू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर पैदा फरमाया। आज साढ़े जुमातुल मुबारक दा जेड़ा उनवान है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे लुआब दिया बरकात, सरकार दे लुआब दिया बरकतां। इंशाअल्लाह इस मौजू ते आप हजरात दे नाल चंद एक बातां अर्ज करांगे। कुरान पाक चों सूरह निसा शरीफ चों जड़ी आए मुकद्दसा दा कुछ हिस्सा आप हजरात दे सामने तिलावत कीता। फरमाया वकाना फदलुल्लाही अलैका अजीमा, फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब तुसी जदों दे भी हो ना तुहाडे ते मेरा अजीम फजल है, तुहाडे ते मेरा अजीम फजल है। माशाल्लाह साडी इस मस्जिद दे बयान नूं रिकॉर्ड करन वास्ते तशरीफ लियाए ने मास्टर न्यूज़ कंपनी वाले और निसार अवान साहब, अल्लाह ताला इन्हां दा आना जाना कबूल फरमाए। ये उस वक्त दे रिकॉर्डिंग कर रहे ने कि जिस वक्त असी जमाना तालब इलमी मदरसे पढ़ी दा सी जामिया नजामिया, उस वक्त तो मैं इन्हां नूं देख रहा। अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार दे अंदर मामलात दे अंदर बरकत अता फरमाए। करीम आका दे गुलाम फरमाए महबूब तुसी जदों दे भी हो ना उस वक्त तो लैके कयामत तक फरमाया मेरा तुहाडे ते अजीम फजल है, मेरा तुहाडे ते अजीम फजल है। करीम आका दे गुलामों ये नहीं फरमाया कि मक्के आयो ते फजल होया, मदीने आयो ते फजल होया, बदर दे मुकाम ते तशरीफ लैके गए हो ते फजल होया, हुदैबिया दे मुकाम ते जलवागर होयो ते फजल होया। फरमाया नहीं, जदों दे हो उदों दा ही तुहाडे ते तुहाडे रब दा अजीम फजल है, उदों दा ही तुहाडे रब दा तुहाडे ते अजीम फजल है। करीम आका दे गुलामो कुरान पाक दे अंदर मैनू चार पांच फजल मिले ने जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। फरमाया एक सिर्फ फजल, एक मुबीन फजल, एक कबीर फजल, एक अजीम फजल। फरमाया ना सिर्फ फजल फरमाया, ना कबीर फजल फरमाया, ना मुबीन फजल फरमाया, मालिका केड़ा फरमाया, फरमाया अजीम फजल फरमाया, अजीम फजल फरमाया। करीम आका दे गुलाम
एक बंदा हजरत मौला अली पाक की बारगाह के अंदर आ गया, आके अर्ज की है प्यारे अली तुसी नबी दे वीर भी हो, सहाबा दे मशीर भी हो, सुनिया दे पीर भी हो। एक गल पुछनी है, आपने फरमाया पुछो। बोल के कहन लगा तुसी अल्लाह दियां नेमतां दा शुमार करके, बोल के कहन लगा कि मैनू सरकार दियां शाना जरा सुनाओ, हजूर दियां शाना कितनियां ने। आप बोल के फरमान लगे तू सब तो पहले मैनू रब दियां जिहड़ियां मेहरबानियां ने साडे ओ सुना, उहनां नू शुमार च लिया, अल्लाह दियां जिन्नियां नेमतां ने उहनां नू शुमार च लै के आ। तो बोल के कहन लगा जी नहीं कुरान कोई नहीं पढ़िया। आपने फरमाया जिन्ना इलम अली कुरान दा जानदा कोई जानदा ही नहीं। हजूर कुरान नहीं पढ़िया, फरमाया पढ़िया। अगर कुरान करीम ऐलान फरमांदा है कि समुंदर दरिया नहरां चश्मे ये सियाइयां बन जान, कायनात जितने दरख्त ने उन्हां दियां कलमां बन जान, तो कयामत तक लोग बैठ जान लिखी जान, लिखण वाले थक जाणगे, ओदियां सियाइयां मुक जाणगियां, कलमा घिस जाणगियां, ओदियां रहमतां शुमार नहीं हो सकदियां, ओदियां नेमतां शुमार नहीं हो सकदियां। आपने फरमाया अच्छा, कहिंदा जी थल्ले पैरां थल्ले वेखिए नेमतां, सिर तो उत्ते वेखिए नेमतां, सज्जे वेखिए ओदियां नेमतां, खब्बे वेखिए ओदियां नेमतां, अगे वेखिए ओदियां नेमतां, पिछे देखिए ओदियां नेमतां। हजूर जलवा तेरा हर सू बसू है, जिधर भी देखता हूं बस तू ही तू है। हजूर ओदियां नेमतां ते शुमार च आ ही नहीं सकदियां। आप बोल के फरमान लगे ओदियां नेमतां शुमार च नहीं आ सकदियां। आप बोल के फरमान लगे जिस रब ने महबूब नू अजीम बनाया, उस रब ने अपने महबूब नू अजीम बनाया और अजीम फजल फरमाया है। फरमाया ओदियां ओदियां मेहरबानियां और रहमतां तेरे शुमार च किन जा सकदियां ने, शाना शुमार च किन जा सकदियां ने। बोल के फरमान लगे उन्हां दी शान ए है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, उन्हां दी शान है व इन्नका लअला खुलुकिन, बोलो सारे व इन्नका लअला खुलुकिन खुलुकिन अजीम। फरमाया अजीम सिफत रब दी और अपने महबूब नू भी अता फरमाई, अपने महबूब नू भी अता फरमाई। करीम आका दे गुलामो, इंसान दे जिस्म दे अंदर ना कुछ फजूलियात ने, कुछ चीजा फजूल ने, जदों तक उन्हां दा ओ वजन चुकी रखता है अपने जिस्म दे नाल, उन्हां दी कोई कीमत है, उन्हां दा कोई मुल पैंदा है। जदों ही इंसान दे जिस्म तो वह चीज़ां दूर हो जाण, वह फजूल हो जांदियां ने, बंदे उन्हां नाल नफरत करदे ने। करीम आका दे गुलामो, अमीरां वास्ते भी यही कानून है, गरीबां वास्ते भी यही कानून है, आलिमां वास्ते भी यही कानून है, जाहिलां वास्ते भी यही कानून है। मसलन नाखुन जब तक जिस्म दे नाल रहण, इन्हां दी कीमत रहिंदी है। किसे बंदे ने अज तक नाखुन कट के संभाले नहीं, संभाले ने किसी ने अज तक किसी ने संभाले नहीं। जदों जिस्म तो दूर हो गए उन्हां दी कीमत खत्म खत्म हो गई। अगे चलो बाल, जदों तक जिस्म दे नाल रहण उन्हां दी कीमत है, उन्हां दी फजीलत समझी जाती है। जदों जिस्म तो उतर जाण बाल बंदा कटवाए, कदी नहीं किसी ने आखिया नाई नूं कि बाल मेरे जिहड़े कट्टे ने छापर च पा दे। जदों जिस्म तो दूर होए खत्म हो गई। अगे चलो पखाना पिशाब, जदों तक जिस्म दे अंदर है, जिस्म दे नाल अटैच है, एदी कोई कीमत है? बंदा भार चुक के टुरिया फिरदा है, जदों जिस्म तो दूर हो गया एदी कीमत खत्म हो गई। थूक, जदों तक जिस्म दे अंदर है एदी कीमत है, जदों सुट दिता लोग नफरत करते ने, बीमारियां फैल दिया ने। ये मेरी तेरी जिंदगी का आलम है, पर जिन्हां दा असीं जिक्र करन लगे हां उन्हां दा पसीना मुबारक भी शान वाला, उन्हां दा थूक थूक नहीं लुआबे दहाने, लुआबे दहाने। हजूर दा बौल मुबारक शान वाला, हजूर दा बरास मुबारक शान वाला, सरकार दा पसीना मुबारक शान वाला, हजूर दे नाखुन मुबारक शान वाले, हजूर दियां जुल्फां शान वालियां,
सरकार दियां जुल्फां शान वालियां करीम आका दे गुलामो अज मैं सिर्फ आप दे लुआबे दहन ते इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है। हजूर दा लुआब कितनी शान वाला है, हजूर दा लुआबे दहन कितनी अजमत वाला है। करीम आका दे गुलामो अगर बंदा खाए अच्छी खुराक लुआब अच्छा, अगर बंदा खाए अच्छी खुराक ते लुआब, अगर खाए भैड़ी खुराक माड़ी खुराक ते लुआब, बोलो लुआब माड़ा। करीम आका दे गुलामो उस नबी तो वारे वारे जाइए। मैं आप हजरात दे सामने हदीसे मुबारका दे चंद जुमले आप दी बारगाह दे अंदर पेश करना। सरकार ने फरमाया लस्तु का अहद मिनकुम अभी तो इंद रब्बी, फरमाया ए जुमले दा वजन महसूस करना, ए सरकार दी जुबाने अतहर जो जुमले निकले, फरमाया दिने मैं तुहाडे नाल हुन्ना रात नू अपने रब दी बारगाह च हुन्ना। मैं अगे भी कदी कच्ची गल नहीं कीती ते इन्हां जुमलियां दा की हरफां दा भी मैं खुद जिम्मेदार हाँ। करीम आका दे गुलामो फरमा लस्तु का अहद मिनकुम अभी तुइंदा रब्बी, फरमा दिन नू मैं तुहाडे नाल हुन्ना रात नू मैं अपने रब कोल हुन्ना। और फरमा हुआ युतईमुनी व यस्कीन, फरमाया मेरा रब मेनू खिला भी देंदा है, मेरा रब मेनू पिला भी देंदा है। मेनू बोलो सो आप हजरात, मेरा रब मेनू खिला भी देंदा है, मेरा रब मेनू पिला भी देंदा है। तो यार आप हजरात दसो जिन्हां दे पेट मुबारक च रब दा पिलाया होया पानी जाए, जिन्हां दे पेट मुबारक दे विच रब दा खिलाया होया खाना जाए, उन्हां दे लुआबे दहन दा की आलम होवेगा। करीम आका दे गुलामो अगे चलो आप हजरात, जरा हजूर दी एक सहाबिया ने उन्हां दा नाम है हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारिया। ये पांच भैणां ने इन्हां सरकार दा कलमा पढ़िया, सब तो पहले हजरत उमैरा ने पढ़िया। हजरत उमैरा नबी पाक दी सहाबिया ने सरकारे कायनात दे गुलामो एक दिन अपनियां भैणां नूं बोल के कहण लगियां, भैणो मेरा अज दिल करदा मैं सरकार दा दीदार करके आवां। करीम आका दे गुलामो आप जान लगियां ते चारे भैणा आप दे नाल खड़ियां हो गईयां, बोल के कहण लगियां उमैरा तू कल्ली ने ते कलमा नहीं पढ़िया, कलमा ते असां भी पढ़िया है, असां भी सरकार दा दीदार करना है, असा भी हजूर का चेहरा देखना है, सरकार का रुखे अनवर वेखना है। आला हज़रत फरमांदे ने चेहरा है मुस्तफा असले कुरान है, पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो, चेहरा है मुस्तफा असले कुरान है, आशिकों की तिलावत पे सलाम शमाए बज़्मे है। हजरत उमैरा चलदियां चलदियां सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गईयां, आप दियां चार भैणां भी आप दे नाल ने, ए पंजे भैणां सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गईयां। हजूर अपने हुजरा मुबारक तो बाहर जलवा फरमा ने, सरकार दियां जुल्फां खुलियां होईयां ने, हजूर दे अगे दो जौ दियां रोटियां पईयां होईयां ने, एक मिट्टी का प्याला है ओहदे अंदर सिरका है, हजूर लुकमे तोड़ तोड़ के सिरके च डबो डबो के खांदे ने पए, सरकार लुकमे डबो डबो के खांदे ने पए, तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझ सा हुआ है
न होगा शाह, कोई तेरी मिसल नहीं खुदा की कसम। हजूर इंज लुक में तोड़ तोड़ के सिरक च डबो के खांदे ने पए। हजरत उमेरा चलदिया चलदिया सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गईया। अर्ज की सोनिया अज तुहाडी बारगाह दे विचों कुछ मंगण वास्ते आई हां, तुसी अता फरमा दियोगे। फरमाया उमेरा मंग की मंगना चाहनी है। अर्ज की सोनिया ए जड़ा रोटी दे लुक में जौ दी रोटी तुसी सिरक च डबो डबो के खांदे हो पए, इहदे चों एक लुकमा मैनू भी अता फरमा दियो, इहदे चों एक लुकमा भी मैनू अता फरमा दियो। बाहर सर्दी है पर तुसां सर्दी का माहौल ना बनाओ, एक बार उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ए लुकमा एक लुकमा मैनू भी दे दियो। सरकारे कायनात दे गुलामो हजूर ने इंज लुकमा तोड़िया ते सिरके दे विच डबो के हजरत उमेरा नू दिता। फरमाया लै उमेरा खा लै, ते आप चंद कदम पिछे हट गईयां। सोनिया ए लुकमा नहीं चाहिदा, ए चाहिदा ऐ लुकमा नहीं चाहिदा, ऐ लुकमा चाहिदा है। सरकारे कायनात दे गुलामो ओ नबी नू अपने वर्गा कहण वाले हो, मैं पुछना ए चाहना, तेरे मुंह दा लुकमा तेरी औलाद नहीं खांदी, तेरे मुंह दा लुकमा तेरी बीवी नहीं खांदी। उन्हां नू कह आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी। पर इधर सरकार दी जदों वारी आई, आपने लुकमा मुंह मुबारक दे विचों निकालिया, ते ओ जदों हजरत उमेरा अपने मुंह दे अंदर दाखल करन लगियां, ते आप दियां चार भैणां ने इंज हाथ फड़ लिया। उमेरा कल्लियां कल्लियां नहीं, उमेरा कल्लियां कल्लियां नहीं, अगर कलमा साडे नाल पड़ियाई ए वी साडे नाल ही खाणा है। आप हज़रात दसो यार, एक लुकमे दे जदों पांच हिस्से होए होणगे ते किन्ना किन्ना रह गया होएगा, कितना कितना रह गया होएगा। जदों पांच हिस्से होए ना, तो करीम आका दे गुलामो हजरत उमेरा ने भी अपने हिस्से दा लुकमा खा लिया, आप दियां भैणां ने भी खा लिया। मैं उलमा ने लिखी है, रवायात दे अंदर मौजूद है, सत्तर सत्तर साल उन्हां औरतां ने उमरा पाइया, सत्तर साल उमरा पाइया। और करीम आका दे गुलामो उन्हां दे मुंह दे विचों जदों बैठदियां सन ना औरतां दे विच, ते मुंह दे विचों कस्तूरी दी खुशबू आउंदी सी। उन्हां पुछिया, साडे मुंह चो ते खुशबू नहीं आउंदी, तुहाडे मुंह चो क्यों आउंदी? उन्हां आखिया, एक दिन सरकार ने अपने मुंह वाला लुकमा अता फरमाया सी। करीम आका दे गुलामो, आका करीम दे गुलामो हजरत उमेरा सरकारे कायनात दे कोल लुकमा खा लिया, ते सरकारे कायनात दे गुलामो सत्तर सत्तर साल अल्लाह ने उमरा अता फरमा दितियां। इसियां बरकत ने आका करीम दे गुलामो, जे लुआब दी ए बरकत ए, जात दा मुकाम की होवेगा, जात दा मुकाम की होवेगा। आका करीम दे गुलामो अगे चलो, मदीना पाक तो बार हजरत सलमान फारसी दी फरमाइश दे उते सरकार ने फरमाया, खंदक दे गड़े खोदो। उन्हें क्या काफर हमला करने वास्ते आ रहे ने मदीने तो बार, हजूर ने गुलामा नु फरमाया भी चलो मेरे नाल। हजरत सलमान फारसी दी फरमाइश सी, सोनिया खंदक दे गड़े खोदिए, खंदक बनाइए ताकि टप के अगे ना आ सकन, रोक कर दईए। गुलाम चले गए, हजरत सलमान फारसी भी चले गए, हजूर भी जलवागर हो गए। करीम आका दे गुलाम मदीना पाक तो बार खंदक दे गड़े खोदे जा रहे ने, एक बहुत बड़ी चट्टान पत्थर वो नीचे आ गया। सियाबा अर्ज कीती, सोनिया बड़े सियाबा रल के उन्हूं कढ़ दे रहे हैं, वो पत्थर नहीं पिया निकलदा। हजूर ने कुदाल अपने हाथ दे अंदर पकड़िया, फरमाया छोड़ दियो, पत्थर जाने ते मुहम्मद जाने है, पत्थर जाने ते मुहम्मद जाने। सरकार गए ना कुदाल लेके पत्थर दे नेड़े, तवज्जो रखना आप हजरात, हजूर दे गुलाम मौजूद ने, जिन एक सहाबी है जिदा ना उलमा ने बयान फरमाया, हजरत जाबर। आप ना दिल दे अंदर ए तमन्ना रखते सन के चेहरा एडा सोहना है, जिसमे अतहर कितना सोहना होवेगा, कदी वकत मिले मैं सरकार दा जिसमें अतहर वेखा,
बड़ी दिल के अंदर ख्वाहिश रखनी। सरकार जो कुदाल पकड़िया ना, आम रूटीन च भी बंदा जो इंज कोई चीज उत्ते दोनों हाथों ना पकड़ता ना, उसके पेट तो कपड़ा हट जाता है, अमूमन हट जाता है। हजरत जाबर जो सरकार ने कुदाल उतां कीती ना, ते आप जमीन ना चिमट के लेट गए। हजरत जाबर जमीन दे नाल लेट गए। सरकार कायनात दे गुलामों, सरकार ने जदों कुदाल उठाया आप दे पेट मुबारक तो जदों कपड़ा उठिया ते हजरत जाबर दियां चीखां निकल गईयां, अखां दे विचों जारो कितार आंसू शुरू हो गए। करीम आका दे गुलामों वेखिया सरकार दे पेट ते तीन दिन हो गए ने पत्थर बनिया होया है। आका करीम दे गुलामों गुलामां दियां भी चीखां निकल गईयां। हजरत जाबर बोल के अर्ज की थी, सोनिया मेनू तेरा थोड़ी देर घर के अंदर जान की इजाजत दे दियो। फिर मैं जाओ जाबर चले जाओ। हजरत जाबर जो घर के अंदर आ गए, आके अपनी बीवी नू बोल के कहन लगे, वो करमालिए खाण वास्ते घर दे विच कुछ है? आप बोल के कहन लगियां, खाण वास्ते ते कोई शह नहीं, ये चार किलो जौ पए ने ते ए बच्चियां दा दुध पीण वाली बकरी खड़ी है, इनू जबा कर लैने आ। हजरत जाबर बोल के कहन लगे, अज मैं सरकार दी दावत करनी चाहना, मैं हजूर दे पेट दे उत्ते पत्थर बनिया होया वेख के आया अपनियां अखां दे नाल। हजरत जाबर दी बीवी दा अकीदा की है? आप बोल के कहन लगियां, जाबर फिकर ना करो, तुसी जाओ सरकार नू दावत दे के आओ। आला हजरत फरमांदे ने, कुल जहान मिल्क और जो की रोटी गजा, ओए कुल जहान मिल्क और जो की रोटी गजा, उस शिकम की कनात पेला। कोई बंदा खामोश नहीं रहना चाहिए, बुलंद आवाज ना। उस शिकम की कनात पे करीम आका दे गुलामो, हजरत जाबर दी बीवी इंज आटा जौ दा बोल के कहन लगी, तुसी जाओ सरकार नू दावत दे के आओ, मैं जौ दा आटा बनानी आ चक्की दे अंदर पा के। एक हाथ दे नाल चक्की पई चलांदी है, एक हाथ दे नाल विच जौ पई पाउंदी है, ते अकीदा की है? बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है। पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो, बुलंदी पे अपना मुकामा। मैं मिंबरे रसूल से दुआ करना, सरकार दी मेरे ते तेरे वेड़े दे अंदर जलवा गरी हो जाए, कदी सोना आ जाए, करम नवाजी फरमा दवे। हजरत जाबर दी बीवी दा अकीदा की है? आप बैठ के जौ वास्ते चक्की पईयां चलांदियां ने, ते जौ एक हाथ ना चक्की च पईयां पांदियां ने, ते मंजर की बनिया होया है? बुलंदी पे अपना मुकाम गया है, ओए बुलंदी पे अपना मुकाम। पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो, बीमार आहिस्ता पढ़ो, बुढ़े हौली पढ़ो, पर जवान जरा सीने दा टेल ला के पढ़ो, बुलंदी पे अपना मुकाम। बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो, मेरा उनके मंगतों में नाम, मेरा उनके मंगतों में।
हजरत जाबर दी बीवी आटा पईयां पीसदियां ने, करीम आका दे गुलामो जाके कहण लगियां सारे लश्कर दे सामने ना दावत देना, अपना मुंह कन्ना दे करीब ले जाना ते कहना सोनिया तुसी आ जाओ नाल चार गुलाम लेके आ जाओ। करीम आका दे गुलामो हजरत जाबर बोल के कहण लगे जे सोना मेरे वेड़े आवे ते मैं सदके हो बहारियां देवा ते तन दी सेज विछावा खाक मुकद्दस कदम ओदे दी ते मैं चुम चुम सीने लावा सर ओदे कदमा ते रखां अखां पैरां हेठ विछावां। हजरत जाबर सरकार तुसी आ जाओ नाल चार यार ले आओ, तुसी आ जाओ ते नाल चार चार यार ले आओ। आका करीम ने फरमाया नबूवत दी गर्जदार आवाज उठी फरमाया बिलाल जी आका, फरमाया टीले ते खड़ा हो जा ते ऐलान कर दे लश्कर वालियां नू, उना नू आखो अज कोई बंदा अपने घर खाना खान ना जावे, अज जाबर तुहाडी दावत प्या करदा, अज जाबर तुहाडी दावत प्या करदा है। ताजदारे गोलड़ा बोले आ फरमांदे ने कोई मिसल ना ढोलण दी, कोई मिसल ना सपड़ो कोई मिसल ना ढोलण दी, कोई मिसल कोई मिसल ना डोलन दी, चुप कर मेहर अली इथे जा नहीं बोलन दी, इथे जा। चंद बंदियां दे मैं चेहरे वेखना पिया फिर मैं ना लवांगा, उन्हां दा कपड़े भी दसांगा फिर मजबूर हो जावांगा, एक करी मुहब्बत ना पढ़ो कोई मिस हाथ अगर नाल लैके आयो ते जरा जियारत कराओ जरा हाथां दी, ते जेड़ा नहीं चुक सकदा नाल दा थोड़ा जा आसरा करा दवे, कोई मिसल ना डोलण दी, कोई मिसल ना लण दी, कोई मिसल ना दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं ओ बोलण दी, इथे जा कोई मिसल ना जानी दी, कोई मिसल ना। ओए ताजदारे गोलड़ा फरमांदे ने कोई मिसल ना, कोई मिसल ना जिदे बाजू च कोई बीमारी है बाजू थले रखे, जिदे बाजू च हसनैन दे नाने दी इश्क दी ताकत है बुलंद आवाज ना बोले कोई मिसल ना जानी दी, कोई मिसल नी दी। रब भी कसम चुके ओ दी चाड़ दी जवानी दी, ओ दी चाड़ नी दी, ओ दी चाड़ दो नैन कटोरे ने, दो नैन आखरी शेर पढ़ना पिया दो नैन कटोरे ने जी, दो नैन रे ने व
तुहा दम खेड़ाए माजाग ते डोरे ने माजाग ते इधरों सरकार निकले 1400 सियाबा सरकार दे नाल ने इधरों सरकार निकले खंदक दे मैदान तो हजरत जाबर दे वेड़े वाले ओए करीम आका दे गुलाम मंजर की होवेगा 1400 सियाबा दी जमात अगे अगे मेरे सरकार ने अगे अगे लजपाल आ रहे ने उत्थे भी मेहरे अली ने कलम चुकिया आप दे कोलो रिया ना गया फरमांद ने आरी उत्ते आरीए ओए मैं किसी दे प्यो दा दौड़ा नहीं पिया पढ़दा मैं मेहरे अली दा दौड़ा पिया पढ़ना आ फरमांदे ने आरी उत्ते आरीए अगे सोना सल्ले आला ओए पीछे खलकत सारीए ओए अगे सोना सल्ले पीछे खलकत करीम आका दे गुलामो हजरत जाबर दे हजरत जाबर दे वेड़े सरकार जलवा फरमाओ गए छत्ता ते सिहाबा दी जमात वेड़े दे अंदर सिहाबा मौजूद ने हजरत जाबर दे नाल एक यहूदी दा घर है ओदी बीवी हजरत जाबर दी बीवी दे कोल आउंदी जांदी है जदो इनी जमात वेखी ते आके कान दे नाल लग के कहन लगी इन्ने बंदे इनी जगह भी कोई नहीं इना खाना भी कोई नहीं आज दे मौलविया नालो हजरत जाबर दी बीवी दा अकीदा कमाले बोल के कहन लगिया फिकर ना करो असा सरकार दी दावत कीती है उना किया तुहाडे कोल इना अरेंजमेंट कित्थों होया इना खाना कित्थों आवेगा इनी जगह कित्थों आवेगी ओ गलियां दे अंदर सरकार दे गुलाम खड़े ने हजरत जाबर दे वेड़े रसूलुल्लाह दी जलवा गरी हो गई ते बोल के कहन लगिया फरमांदिया ने फिकर कोई नहीं सोना आ गया है सोना आ गया है हजरत जाबर दी बीवी नू आका करीम ने फरमाया फरमाया आटा मेरे को ले आओ आटा मेरे को ले आओ इंज लुआबे दहन कढ़िया ते आटे दे अंदर मिलाया हजूर ने लुआबे दहन हांडी दे अंदर पाया हजरत जाबर दी बीवी नू बोल के फरमाया बेटा ढक्कण चुकना नहीं थोड़ा जा चुक के सालन पाई जा ना सालन मुकना है ना रोटियां मुकनिया ना सालन मुकना है ते ना रोटियां मुकनिया ने एक दा लुआबे मेरे नबी दा लुआबे मेरे नबी दा लुआबे डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे वे तेरी शान जया नहीं कोई होर वे डिठा तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला ओनू आशिका असली चोर डिठा दे कोई नूर आखे कोई बशर आखे दिन रात ए पैंदा ए शोर वे डिठा अल्लाह वालिया वे गल मुका छड़ी वे तुसा होर डिठा असा हो
मियां साहब आरफे खड़ी दी बारगाह दे अंदर लै चला। रूमिये कश्मीर कश्मीर दियां पहाड़ियां चो कलम चुकिया ते कमाल कर दिती फरमांदे ने शद्दा मद्दा वैसे राजब सब शान तेरी विच आया आमा लोका ओए खबर न काई ते खासा रमजा पाया। करीम आका दे गुलामो जाबर दी हंडिया दे अंदर नबी दा लुआब लगे 1400 से आबादी जमात खा जाए हांडी खत्म ना होवे हजरत जाबर दे घर आटे दे अंदर नबी पाक लुआब मिला देन 1400 गुलाम खा जान आटा खत्म ना होवे ए ओ बरकात ने जिते फरमाया रब मेनू खिलांदा भी है रब मेनू पिलांदा भी है रब खिलांदा भी है ते रब पिलांदा भी है ते जिदे पेट च रब दा खिलाया खाना होवे ओदे लुआब दियां बरकात दा आलम की होवे। करीम आका दे गुलामो एक जंग दे मुकाम दे उत्ते ना एक जंग दे उत्ते हजरत कतादा हजूर दे सहाबी ने जंग दे अंदर लड़दे ने पए लश्कर इस्लाम ते कुफर आमने सामने है तलवारां बिजली दी तरह डिगदियां ने पईयां हजरत दान दे अंदर एक चवल किस्म दा बंदा वो अग्गे आके वार नहीं सी कर सकदा उहने आख्या मैं जरा कमजोर हाँ दिल भी कमजोर है मैदान च ते नहीं जा सकदा चलो इत्थे गड़ा कढ़ लैणा इत्थे विच वड़ के जिहड़ा कोई इत्थों लंघेगा मैं यकदम उहदे ते हमला कर देंगा। वो बंदा जाके गड़े दे अंदर बैठ गया तलवार लैके हजरत कतादा लड़दे उस गड़े दे करीब आ गए उन्हें जल्दी दे नाल तलवार कढ़ी ते हजरत कतादा दे उते हमला कर दिता आपने उदा हमला रोकिया लेकिन तलवार दी अगली नुक्कर जड़ी है ना हजरत कतादा दे डेले च खुब गई अख दा डेला बाहर आ गया हजरत कतादा ने दूसरे हाथ नाल उदा सर कलम कर दिता तो अख लमकदी है पई रुखसार दे उते अख लमकदी है पई रुखसार दे उते इंज रुखसार दे उते ते करीम आका दे गुलामो वापस नहीं हटे फिर तलवार लेके लश्कर दे विच वड़ गए तलवार चलदी है पई ते खबर चलदी चलदी ना सरकार तक आ गई के कतादा दी अख निकल गई है रुखसार ते लमकदी है पई सोनिया गुलाम वापस नहीं आ रहा गुलाम वापस सुन्नी बोले गुलाम वापस गुलाम वापस नहीं आ रहा सरकार ने फरमाया कतादा नु बुलाओ हजरत कतादा चलदे चलदे आका करीम दी बारगाह दे अंदर आ गए ते इंज अख दा डेला हाथ दे उत्ते रख लिया सोनिया अख निकल गई है ते सरकार ने ए नहीं फरमाया मैं ते कारी कुछ नहीं सकदा जा रब दे कोलो अख जाके मंग आपने फरमाया कतादा अख चाहीदी है या जन्नत चाहीदी है अख चाहीदी है या जन्नत चाहीदी है अर्ज कीती सोणिया अख मेरी मर्जी नाल दे दियो जन्नत अपनी मर्जी नाल दे दियो अख मेरी मर्जी नाल दे दियो जन्नत अपनी मर्जी नाल दे दियो एक करी मेरे नाल मुहब्बत ना पढ़ना जेड़ा बंदा सहाबा दे मनन वाला है बन यार नबी दया ओए यारां दा बन यार मस्जिद दी दरो दीवार गवाही देगी बन यार नबी दया यारां दा बन यार सरकारे कायनात दे गुलामो हजरत कतादा अख लैके सरकार दी बारगाह दे अंदर आ गए अर्ज कीती सोहणिया अख मेरी मर्जी नाल दे दियो जन्नत अपनी मर्जी नाल दे दियो उत्थे पीर मेहरे अली शाह साहब बोले फरमांदे ने कौसर दा पानी है ओए कौसर दा पानी है ओए जिंदला नामे मदनी दे ए उंज विते जानी है ए उंज विते बखील बंदा नहीं वेखना चाहता सरकार दा दीवाना बन के पढ़ ए जिंदला नामे मदनी दे
हजरत कतादा दी अख नूं सरकार ने पकड़िया, लुआबे दहन लगाया, अख अंदर रखी ते हाथ रख दिता। हजरत कतादा कहंदे ने वेंदियां वेंदियां अख ठीक हो गई, वेंदिया वेंदिया अख ठीक हो गई। जेड़ी सरकार ने अख दिती सी ओ दूसरी अख नालों भी तेज पई वेंदी है। हजूर दे लुआबे दहन दियां बरकत, जिथे सरकार दा लुआब लगे। ओए करीम आका दे गुलाम बुखारी शरीफ दे विचों एक रवायत पेश करन लगा, हजरत उरवा बिन मसूद सकफी जदों कुफार दे वकील बन के नबी पाक दी बारगाह दे अंदर आए, आके बैठे रहे वेखदे रहे, ते जदों वेखिया सरकार लुआबे दहन सुटदे ने, गुलाम जमीन ते नहीं डिगन देंदे, सहाबा अगे अपने हथ कर लैंदे ने। जिहड़े सियाबी दे हाथ नूं नहीं लगदा वो दूसरे सियाबी दे हाथ नूं लगा के कुछ अपने चेहरियां ते मलदे ने, कुछ अपने जिस्म ते मलदे ने, कुछ अपने चेहरियां दे उत्ते मलदे ने, कुछ अपने जिस्म दे उत्ते मलदे ने। करीम आका दे गुलामो हजरत उरवा बिन मसूद जदों अपने कबीले दे अंदर वापस गए ते जाके कहण लगे, ओए कबीले वालेओ जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बन लो। उन्हें क्या किधर जाना है? उन्हें क्या जाके कलमा पढ़ना है? मैं बड़े बड़े बादशाहां दे कोल गया, किसे दा इंज दी मुहब्बत दा अंदाज नहीं वेखिया जेड़ा अंदाज रसूलुल्लाह दी बारगाह दे विच वेखिया है। उन्हें क्या की वेख के आया है? बोल के कहण लगे, लुआब जमीन ते नहीं सुटन दिंदे, अपने चेहरियां ते मल लैंदे ने। एक किना दा अकीदा है? सहाबा दा अकीदा है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अगे मैं कुराने पाक जरा पेश करन लगा, तवज्जो रखना। कुराने पाक ऐलान फरमांदा, या अय्युहन्नासु قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا। करीमा कदे गुलामो फरमा, ए इंसानो तहकीक तुआडे वाल अल्लाह दी तरफों एक दलील आई, एक दलील आई, एक मोजज़ा आया, और असी नाजल कीता है अपनी तरफों। या अल्लाह की नाजल कीता है? फरमाया इलैकुम नूरम मुबीना, एक वजाहत वाला नूर अता फरमाया। काजी सनाउला पानी पत्ती और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो लैके काजी सनाउला पानी पत्ती तक तमाम मुफस्सरीन ने यही लिखी है कि बुरहान तो मुराद सरकार दी जात है, ते नूरम मुबीना तो मुराद कुरान है। आप हजरा दसो यार, हजूर दलील बन के आए कुरान ऐलान करता है, हजूर मोजज़ा बन के आए नबिया नु मोजज़े दे के भेजिया, सरकार नु सरापा मोजज़ा बना के भेजिया। ईसा अलैहि सलातो वसलाम जिस कौम वल नबी बन के आए, ओ कौम हकीमा दी कौम सी, उन्हां नु अपनी जड़ी बूटियां ते बड़ा मान सी, अपने कुश्तियां ते बड़ा मान सी। ते अल्लाह फरमाया, प्यारे ईसा उस कौम वल नबी बन के चले हो जिन्हां नु अपनी जड़ी बूटियां ते बड़ा मान है, अपनी दवाइयां ते जवारशां ते कुश्तियां ते बड़ा मान है, पर ए मुर्दा तना च आबे नौ पैदा कर सकदे ने पर मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते, मुर्दा जिंदा नहीं कर सकते। हजरत ईसा नु मौजजा दे के भेजिया, फरमा ठोकर मारना तेरा काम है, जिंदा करना तेरे रब दा काम है। जे कौम तो उत्ते कुछ हुंदा ते फिर ही नबी मनना सी ना, उन्होंने फिर ही मनना सी ना। आप मट्टी दा कुरान ऐलान करदा, मट्टी दा परिंदा बनांदे ने, फूक मारदे ने, कौम दी डिमांड ते केड़ा परिंदा बनावा,
फूक मार देने परिंदा हवा च उड़ जाता है। ये हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम नू अल्लाह ने शाना अता फरमाइया ते जेड़े ईसा दे भी सरदार बन के आए। दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए मौजज़े, पढ़ लो जड़े पढ़ सकते हो। दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने दिए मौजज़े, अंबिया को खुदा ने, पर मेरा नबी मौजज़ा बन के आया। मेरा नबी मौजज़ा, मेरा नबी मौजज़ा। जरा सुस्ती दूर करो, एक करी इश्के रसूल दी गर्मी लिया के पढ़ो। मेरा नबी मो, मेरा नबी मौजज़ा। सरकार दा लुआब शान वाला, हजूर दिया जुल्फां शान वालिया, सरकार दे नाखुन शान वाले। नाखुन पता की है? हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम दे जिस्मे अतहर ते ए लबास सी, नाखुन दा ए लबास सी। ए आदम पाक दी निशानी है नस्ले इंसानी दे कोल, ते हजूर दे नाखुन शान वाले, हजूर दिया जुल्फा। हजरत खालिद बिन वलीद, आखिरी बात कर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जिस मैदान वाल निकलते सन ना, फतह उन्होंने कदम चुमदी सी, फतह उन्होंने कितनिया तलवारा आप दे हाथ विच टुट गई, एक बालिश्त जगह भी बाकी ना रही जिसम दे उत्ते जिते तलवार ते नेजा ते तीर नहीं सी लगिया। करीम आका दे गुलामो हजरत खालिद बिन वलीद, वक्त गुजरिया रात दे टाइम सहाबा एक मुकाम दा मुहासरा कीता सी, ते ऐलान हो गया अचानक के खालिद बिन वलीद नू काफरा ने घेरे च लै लिया, मुहासरा कर लिया। ते इधर गुलामा ने कहा जल्दी जल्दी तैयारी करो, हजरत खालिद बिन वलीद दे पिछे जाना। ते बोल के कहन लगे, थोड़ी देर गुजरी ना ते रात दा अंधेरा सी, साडे कोलो कोई तेज सवारी गुजरी, चेहरे ते नकाब है बुरका है। ते सहाबा जल्दी जल्दी उन्हें हिरासत च लै लिया कि कोई जसूस ना हो, रात के टाइम इतने की कर रहा। जो तो हिरासत च लिया तो उन्हें बोल के आख्या, अमीर उल मोमिनीन आखो परदे च होके मेरी गल सुनो। परदे च जदों होके गल सुनी तो बोल के फरमाया, मैं खालिद बिन वलीद की अहलिया, खालिद बिन वलीद की अहलिया। तो ना क्या तुसी रात दे टाइम किधर जा रहे हो? ते बोल के कहन लगियां, मैं ऐलान सुनिया कि खालिद बिन वलीद दा मुआसरा हो गया है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया काफरा ने। मैं ये वेखिया कि खालिद बिन वलीद नू ते अज तक कोई गिरफ्तार कर ही नहीं सकिया, और जिस फतह जिस मैदान च जांदा है फतह पहले उहदे कदमां ते आ जांदी है। ते बोल के कहन लगियां, मैनू समझ ना आवे, मैं चलदी चलदी उहनां दे बिस्तर ते चली गई, वेखिया ते अपनी टोपी घर भुल गए सन, अपनी टोपी घर भुल गए सन। मैं टोपी उन्हां दी उन्हां नूं देण जा रही हां, ते उन्हां पुछिया, गुलाम बोल के कहण लगे, टोपी दे विच की है? ते बोल के कहण लगियां, इस टोपी दे विच रसूलुल्लाह दे दो बाल ने, उन्होंने अपनी टोपी च सवाई होए ने, तो टोपी सिर ते रखदे ने, जिधर निकलदे ने फतह उन्हां दे कदम चुमदी है, उन्हां दे बालां दी ये शान है। जिन्हां दे नाखुना दा ये मुकाम है, जिन्हां दे खून मुबारक दा ये मुकाम है, उन्हां दी जात दा मुकाम की होएगा? आला हज़रत इसे करके फरमांदे ने, सबसे औला आला रान भी, सबसे औला आला रान भी, सबसे बाला सबसे बाला, जिनकी दो बूंद है कौसरो सर सभी है, वो जाने मसीहा हमारा
अपना तो मजा नहीं आ रहा, आखिरी शेर पढ़ रहे आला हजरत का कलाम पढ़ रहे हैं। बुझे वो जाने मसीहा बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, वे शम्मा वो ले शम्मा वो ले करा, कम अज कम हमारा नबी ते बोलो ना, शम्मा वो ले कर आया नबी सबसे औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूला फकीरा ना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। जी नाजरीन मेरे साथ एक मौजूद हैं कारी साहब, इन्होंने आज अलामा नसीब अमन चिश्ती साहब का खताब सुना, इनसे पूछते हैं कि आज का जो बयान है आप किस तरह देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हूँ। आप हमें ये बताइएगा कि आप जुम्मतुल मुबारक कहाँ अदा करते हैं और आज का खिताब किस तरह देखते हैं? जी माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक काफ़ी अरसे से मैं इनके पीछे जो है नमाज भी पर अदा कर रहा हूँ, और जुम्मतुल मुबारक के हवाला से खिताब के हवाला से जो है ना मैं जन्नत अल जन्नत साउंड सिस्टम प्रेड कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब करते हैं, और जब भी खिताब करते हैं माशाल्लाह ईमान ताज़ा कर देते हैं और फूल रंग बिरंगे बिखेर देते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी माशाल्लाह आज बयान किया है कारी साहब ने, अखीर कर देती है मौलाना चिश्ती साहब ने, ईमान ताज़ा कर दिता साडा, यकीन करो बड़े बड़े खिताब सुने ने, लेकिन इन्हों के खिताब इन्हों का अंदाज़ वखरा है और बहुत सरूर और बड़ा ईमान ताज़ा हो गया, यकीन करो।